एक ओर सरकार गरीबों को शीशा पहुंचाने के लिए कड़े कदम उठा रही है, वहीं पर बहराइच में कोटेदार बड़े पैमाने पर किसी न किसी बहाने कोटा हड़पने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। हमारे साथ जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद है, आइए मैं उनसे जानता हूं कि किस तरह से कोटे की चोरी की जा रही है और उस संबंध में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नवम्बर महीने से बायोमेट्रिक मशीनें लगी हैं और कोटेदारों को बकायदे ट्रेनिंग भी दी गई थी बायोमेट्रिक मशीन देने के बाद। तो नवंबर माह चूँकि पहला था, सर्वर और साइट की प्रॉब्लम कहीं कहीं थी, इसलिए पहले महीने नवंबर माह में वितरण 40% से ऊपर हुआ था और इस माह भी हम लोगों ने प्रयास किया दुकान दुकान जाके जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, सर्वर की प्रॉब्लम थी, उसको हम लोग दूर कराने का प्रयास किए। इस महीने अब तक 50% बायोमेट्रिक वितरण हुआ है और जहाँ पे भी कोटेदारों के द्वारा थोड़ी सी शिथिलता या उदासीनता बरती गई है, उसको उदासीनता ही कहेंगे, तो उनके खिलाफ भी हम लोग जो है नोटिस भेज रहे हैं या वितरण में बिल्कुल जो है बायोमेट्रिक वितरण कम है तो उनकी सिक्योरिटी फार्मफिट करके हम लोग चेतावनी जारी कर रहे हैं ताकि आगे से उनका जो है बायोमेट्रिक वितरण का प्रतिशत अच्छा रहे। उनके लाख प्रयास के बावजूद भी 50% ही खाद्यान्न वितरित हो सका है। इस तरह से बड़े पैमाने पर किसी न किसी बहाने छोटे की खाद्यान्न की कोठेदारों द्वारा चोरी की जा रही है। कादरी मसूद, एटीवी भारत।